हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक रसायन ज्ञान में। आपने पहले भी पुरानी वीडियोस भी हमारी लाइक की हैं। आज का टॉपिक है आइसोलेज। ये 11th क्लास में एक ऐसा टॉपिक है और बीएससी में भी, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पार्ट में भी है और 11th क्लास में भी एक ऐसा टॉपिक है जो ईजिली बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैं समझा रहा हूँ और आपको ईजिली समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल अगेन फाइव टाइप्स की होती है, चेन, पोजिशन, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो, जो 3D में जिसकी स्टडी करते हैं। ये 2D में स्टडी होती है इसकी एंड ये 3D में स्टडी होती है। ये दो टाइप की होती है, वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम एक एक टॉपिक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसकी भी चेन आइसोमेरिज्म। अगर हम चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, C4H10, इसे देखें, हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो ध्यान से, इसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, 3, 2, 2, 3, 10, इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, आप काउंट करके देखें तो मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट दोनों की क्या डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यही आइसोमेरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें 4 कार्बन की चेन है और इसमें 3 कार्बन की चेन है, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, ये 3 कार्बन की चेन है। तो जब कार्बन की चेन जो होती है उसकी लेंथ कम या ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म होती है। आता समझ में? अब दूसरा देखते हैं हम, सेकेंड इज पोजिशन आइसोमेरिज्म। पोजिशन आप देखो, फिर से एक और फॉर्मूला बनाते हैं। मेरे पास है ये कंपाउंड एल्कोहल ब्यूटेनॉल। अगर हम ब्यूटेनॉल की बात करें, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन आप एज्यूम कर लो, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा। आप इस कंपाउंड को देखो, यहाँ से नंबरिंग लेंगे, इसका नाम आप रखोगे ब्यूटेन 1 ऑल और इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑल। किसकी पोजीशन चेंज हुई? फंक्शनल ग्रुप की। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, किसी में भी जाती है तो वहाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। आती बात से कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, उसकी क्या चेंज होनी चाहिए? पोजीशन। तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये देखो, ये मेरे पास एक चेन है CH3, CH2, 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 इसका नाम है पेंटेन 3-ओन, तीसरे नंबर पे CO है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप चेक करो, इधर देखो, पहले इधर 2 कार्बन थे और इधर भी 2 कार्बन थे। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ देखना होता है, 2 कार्बन एंड 2 कार्बन से। लेकिन अब इस केस में देखोगे, यहाँ 1 कार्बन और यहाँ 3 कार्बन, मतलब कार्बन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर कार्बन की चेन चेंज हो जाती है, छोटी बड़ी हो जाती है, तो वहाँ होती है मेटामेरिज्म। आता है समझ में? एक और बताता हूँ इस वीडियो में आपको, फिर दूसरी वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म वहाँ होती है जहाँ फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप में जैसे आपने देखा होगा CH3, CH2, CH3, दिस इज ईथर एंड हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज एल्कोहल। आप चेक करो, कार्बन 3, ऐसे भी 3, हाइड्रोजन 3, 2, 5, 3, 8, 3, 5, 7, 8, मतलब क्या चेंज हो गया? ईथर से क्या बन गया? एल्कोहल। तो जिन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप खुद ही चेंज हो जाए वहाँ होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और देखो, इसका एक एग्जांपल और देता हूँ, लाइक दिस CH3CO CH3, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH2। आप इसमें कार्बन चेक करें, 3 हाइड्रोजन, 3, 2, 5 और 6, 3 और 6 ऑक्सीजन। तो ये क्या है? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स।
बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम, अभी अब तक के लिए काफ़ी है।